जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। तो दोस्तों, इस लीग का मैच नंबर 57 होने वाला है, जो कि लखनऊ और गुजरात के बीच में खेला जाएगा कल शाम 7:30 बजे। तो दोनों ही टीम पूरी की पूरी इस आईपीएल में तूफान बनी हुई है, और दोनों ही टीम बहुत ही ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, और दोनों ही टीम क्वालिफाई कर चुकी है इस आईपीएल में। तो दोनों ही नई टीम है और दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसका मुकाबला कल होने वाला है, और धुआंधार मुकाबला कल होने वाला है दोस्तों। तो इस मुकाबले को स्किप नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है 5 टीम की कॉम्बिनेशन, जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर पाएंगे फैंटेसी ऐपों में, वो चाहे हेड टू हेड हो, एसएल हो या फिर जीएल हो। तो तीनों ही फॉर्मेट में आपको जीत मिलेगी। तो वीडियो पूरे ध्यान से आपको देखना है, और भी साथ में दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है पिच रिपोर्ट, प्लेयर एनालिसिस, साथ में टीम कंपेरिजन, और उसके साथ में दोस्तों मैच विनर और टॉस विनर। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारा डिटेल एनालिसिस और ड्रीम प्लेयर इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो ध्यान से बस आपको वीडियो को देखना है। तो चलते हैं वन बाय वन आपको सारी बातें डिस्कस करते हैं। उससे पहले, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर जाइएगा, वहां भी आपको फर्दर अपडेट्स और फर्दर रिपोर्ट्स मिलेंगे जो आपको फायदा दिलाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आपको पहले यहां पे जो पिच है वो कैसा बिहेव कर रहा है वो बात कर लेते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन दबा लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आपको पिच की बात बताते हैं। तो पिच, ये जो मुकाबला है वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ पे जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रही है वो 170 रनों की एवरेज स्कोर निकल कर आ रही है, और पिच टोटली बैटिंग को फेवर कर रहा है। और दोनों ही टीमों में, जैसा कि पता है आपको, कि बैटिंग लाजवाब है, अच्छी बैटिंग हो रही है। और साथ में बात करें दोस्तों, जो स्कोर यहाँ जो पिछला मुकाबला में बना था वो 202 स्कोर बना था, जो कि चेन्नई की टीम ने बनाई थी, और उसको चेस करने उतनी एसआरएच की टीम 189 स्कोर बनाई है 6 विकेट के नुकसान पे। तो ये जो मुकाबला था बहुत ही रनों का स्कोर का मुकाबला था, यहाँ पे विकेट्स कम गिरे लेकिन रन्स बने। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, जो पिच है वो बैटिंग को फेवर कर रहा है। इसके बाद भी एक और मुकाबला हुआ था इस पिच में, वो भी दोस्तों इसी तरह का मुकाबला था, बड़ा स्कोर बना था, 170 के ऊपर का स्कोर बना था। तो ध्यान रखेंगे कि स्कोर्स तो यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे, और दोनों ही टीम जैसे कि मैंने बताया कि लाजवाब फॉर्म में है, तो स्कोर बनेंगे और विकेट्स भी गिरेंगे। तो आपको बॉलर्स भी अपने टीम में शामिल करने हैं। जैसे कि दोस्तों, आप 5 बॉलर और 7 बैट्समैन के साथ अगर अपना टीम बनाते हैं तो आपका बहुत ही बेहतरीन टीम बनेगा, जिसमें एक ऑलराउंडर शामिल रहेंगे। 2 ऑलराउंडर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑलराउंडर भी आपके टीम में रह सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टीम बन सकता है अगर इससे जीतना चाहते हैं। हेड टू हेड में तो आपको यहाँ पे मैं टीम बताऊंगा कि कैसी टीम बनानी है, और साथ में ग्रैंड लीग में आपको रिस्की टीम बनानी है, जहाँ पे बॉलर्स आपके प्रेफरेंस होंगे, बॉलर ज़्यादा जो विकेट लेते हैं उनको अपने टीम में शामिल करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, तभी आप इस मैच में जीत सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। और साथ में दोस्तों, वेदर की बात करें, वेदर इस मैच में क्लियर स्काई रहेगी, टेम्परेचर आपको 27 के आसपास देखने को मिलेगा। और आपको दोस्तों अपने टीम में ओपनर बॉलर्स और लास्ट के जो डेथ हो वो उभर के बॉलर है, उनको अपने टीम में शामिल करना होगा अगर आप जीतना चाहते हैं। साथ में दोस्तों बात करें, अब दोनों ही टीमों की कंपेरिजन करके, तो दोस्तों लखनऊ की बात करें और गुजरात की बात करें, दोनों ही ने अभी तक 11-11 मुकाबले खेले हैं, और दोनों ही ने दोस्तों रिसेंट में 8 मुकाबले जीते हैं। रिसेंट के 5 मुकाबले की बात करें तो गुजरात लायन रिसेंट के 5 मुकाबले में ये 3 मुकाबला विन किया है, और 2 मुकाबले लास्ट के 2 मुकाबले ये हारा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो ये रीसेंट के 5 मुकाबले में 4 मुकाबले विन किया है और 1 ही मुकाबला मात्र हारा है। रीसेंट के 4 मुकाबले ये लगातार जीतते हुए आ रही है। और दोस्तों इस आईपीएल में 11 मुकाबला ये भी खेली, 8 मुकाबला ये भी जीता, 11 मुकाबला ये भी खेला और 8 मुकाबला ये भी जीता। टेबल पे फर्स्ट नंबर पे लखनऊ और सेकेंड नंबर पे गुजरात है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही टीम बराबरी की परफॉर्मेंस कर रही है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे निखर कर आ रही है दोस्तों, और टेबल पे टॉप में मेंटेन की हुई है। इस मैच में कौन जीतता है वो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो मेरी प्रेडिक्शन से अगर आप चलते हैं तो इस मैच को लखनऊ की टीम जीतने वाली है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। गुजरात की टीम इस मैच को हार सकती है, प्रेडिक्शन मेरी है, लेकिन टॉस को गुजरात की टीम ही जीतेगी। मैच को लखनऊ की टीम जीतने वाली है, आप लखनऊ की तरफ से अपना दाव खेल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आपको 5 टीम दिखाते हैं, जिसमें से पहला टीम आपको हेड टू हेड का मिलेगा, जिससे आप हेड टू हेड का कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे, साथ ही इस टीम को आप जीएल में भी लगा पाएंगे। एक टीम आपको एसएल की मिलेगी, जिससे आप मिनी जीएल जीत पाएंगे, और 3 कॉम्बिनेशन आपको जीएल की मिलेगी, जिससे आप जीएल जीत पाएंगे। तो सभी कॉम्बिनेशनों को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से लगाएंगे, तभी आप इस मैच में जीत सकते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन आपको सारी बातें बताते हैं, सारे टीम दिखाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी प्लेयर को आप देख पा रहे होंगे इस मैच के की प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, जसन होल्डर हैं, शुभमन गिल हैं, यहाँ पे मोहम्मद शमी है, एम खान है, साथ में लॉकी फर्गीसन, ए खान और अलजारी जोसेफ और साथ में रिद्धिमान शाह। इसमें कुछ प्लेयर, एक दो प्लेयर ही नहीं चलेंगे, बाकी सारे के सारे ड्रीम प्लेयर इस मैच में रहने वाले हैं, तो इन सभी प्लेयरों पर दाव खेल सकते हैं। और एक और प्लेयर है जो कि क्विंटन डिकॉक, उनके पे आप ऊपर दाव खेल सकते हैं इस मैच में, वो भी चल सकते हैं। तो दोस्तों ये हेड टू हेड के मुकाबले के लिए ये टीम मैंने बनाई है, जहां पे बॉलर बैट्समैन और जो रेगुलर चल रहे हैं उनको अपने टीम में मैंने शामिल किया है, और कप्तान एज यूजुअल जो आपके अपोनेंट भी बनाने वाले हैं केएल राहुल को कप्तान, आपको भी केएल राहुल को ही कप्तान बनाना है, वाइस कप्तान भी मुझे लगता है कि 90% चांसेस है कि हार्दिक पांड्या को ही बनाएंगे, तो आपको भी बना लेना है, रिस्क नहीं लेना है हेड टू हेड के मुकाबले में। एकाध दो बॉलर पे आप रिस्क ले सकते हैं, एकाध ही प्लेयर हैं जो आपको मैच जिताएंगे, आपके अपोनेंट भी रिद्धिमान शाह को रखेंगे, क्विंटन डिकॉक को रखेंगे, सारे प्लेयर यहाँ पे जो दिख रहे हैं सारे को रखना की कोशिश करेंगे, लेकिन एकाध चेंजेस मैंने यहाँ पे कर दिया, एम खान को रखा है, आपके अपोनेंट शायद वहाँ पे आपको रखेंगे आवेश खान को, तो एकाध प्लेयर मैंने चेंज कर दिया, अगर चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये टीम बहुत ही बेहतरीन, अगर आप हेड टू हेड जीतना चाहते हैं तो ये टीम आपको इजीली विन करवा देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं इस टीम में, आप हेड टू हेड में हूबहू टीम लगाइए, अगर इन केस कोई प्लेयर्स नहीं खेलते तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये टीम बहुत ही बेहतरीन है, इस टीम से आप हेड टू हेड का मुकाबला जीत सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, तो अगर चेंज करना चाहेंगे तो शुभमन गिल के साथ आप वाइस कप्तान जा सकते हैं या फिर होल्डर के साथ जा सकते हैं, तो चेंज करना है तो कर सकते हैं या फिर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं। ये मेरी दूसरी टीम है दोस्तों, जहां पर मैंने थोड़ा सा बैटिंग को फेवर करते हुए बनाया, इस टीम में देख पा रहे हैं मैंने तीन बैट्समैन, चार बैट्समैन रखे हैं इधर की तरफ से, आप लखनऊ की तरफ से, और तीन मात्र बैट्समैन मैंने रखे हैं गुजरात की तरफ से, बॉलिंग के भी ऑप्शन यहाँ पे तीन तीन मैंने रखे हैं, हालांकि दो ही ऑप्शन इधर के हैं गुजरात की तरफ से, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये भी टीम है, इस टीम से भी आप मिनी जीएल जीत सकते हैं और साथ में ग्रैंड लीग में भी इस टीम को लगा सकते हैं। इस टीम में मैंने नए प्लेयरों को जैसे जगह दिया, जैसे करुणाल पांड्या को दिया है, एस सुदर्शना को दिया है, साथ में लॉकी फर्गसन को दिया है, तो ये सभी जो प्लेयर हैं तीन प्लेयर, इनको बहुत ही कम लोग अपने टीम में शामिल करेंगे, मात्र 10 से 20 या 30% लोग ही शामिल करेंगे, तो आपको हूबहू फायदा तुरंत हो जाएगा अगर ये विकेट्स लेते हैं और रन्स बनाते हैं, तो यहां पे आपको फायदेमंद ये टीम है, जहां पे मैंने होल्डर को कप्तान बना दिया और वाइस कप्तान मैंने शुभमन गिल को बनाया है, यहां पे दोस्तों आप क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी टीम थी जिसको आपको मिनी जीएल में साथ ही ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेनी है। अब चलते हैं तीन कॉम्बिनेशन आपको और दिखाते हैं जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। तो दोस्तों ग्रैंड लीग जिताने के लिए ये टीम बहुत ही बेहतरीन है, जहां पे मैंने मोहम्मद शमी को कप्तान बनाया जो कि दो विकेट इस मैच में लेने वाले हैं, और वाइस कप्तान मैंने एम खान को बनाया है। हालांकि दोस्तों दोनों ही पिक रिस्की हैं, हालांकि यहाँ पे 2% लोग मात्र मोहम्मद शमी को कप्तान बनाएंगे और एम खान को मात्र 0.1% लोग बनाएंगे, तो अगर ये दोनों विकेट्स लेते हैं तो आप इजीली विन कर जाएंगे आपका ग्रैंड लीग का मुकाबला, तो ध्यान देंगे ये टीम बहुत ही बेहतरीन है। थोड़े से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैट्समैन का आपको नंबर्स कम लग रहा होगा, लेकिन अच्छी टीम है और इस टीम से आप इजीली विन कर सकते हैं। ये मेरी चौथी टीम है दोस्तों जिसको मैंने ग्रैंड लीग के लिए डिजाइन किया है, जहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने कप्तान लॉकी फर्गसन और वाइस कप्तान मैंने आवेश खान को रखा है। ये भी टीम बहुत ही रिस्की है, अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे वाइस कप्तान आप रिद्धिमान शाह को बना सकते हैं, साथ में क्विंटन डिकॉक भी ट्राई कर सकते हैं या फिर दोस्तों राशिद खान को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि रिस्की पिक्स हैं, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर सेम टीम से जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी टीम की तरफ, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की, अलजारी जोसेफ को मात्र 6% लोग अपनी टीम में रखने वाले हैं और कप्तान तो मात्र यहाँ पे 0% लोग बनाएंगे, तो अगर आप बनाते हैं तो ये टीम बहुत ही इजीली विन कराएगी और आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा विन करा सकती है ये टीम। तो ये भी टीम बहुत ही बेहतरीन है, इस टीम से भी आप जा सकते हैं, यूनिक टीम है और लाजवाब टीम है। तो लगाएं दोस्तों पाँचों टीमों को, अगर आपको जीतना है तो पाँचों टीम बहुत ही बेहतरीन है, पाँचों टीमों से आपको विनिंग होगा, तो पाँच टीम आपके लिए बेहतरीन टीम मैंने कॉम्बिनेशन दी है। अगर इनमें से कोई चेंजेस होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर कर दूंगा, तो वहाँ पर जरूर जुड़ जाएंगे। और दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।